पाक भारत इस खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान में जो मकरूह काम कर रहा है। पाकिस्तान ने 131 सफात पर मुश्तमिल शवाहिद के साथ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दों की माली मावनत और दहशत गर्दों की सरपरस्ती करते रंगे हाथों पकड़े जाने वाला भारत अभी कुलभूषण यादव वाला दाग धो ही रहा था कि पाकिस्तान ने भारत में आलमी दहशत गर्द तंजीम दाइश के कैंप भारतीय सरपरस्ती में चलाए जाने के सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए। पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर में जहां मकबूजा वादी में बेगुनाह कश्मीरियों की नस्ल कशी, इंसानी हकूक की पामालियां, खवातीन की बेहुर्मती और कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल समेत मोदी की फासिस्ट हकूमत के जंगी जराइम पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए। वहीं मकबूजा कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड में भारत की सरपरस्ती में चलने वाले दाइश के कैंपों का भांडा भी फोड़ दिया है। भारत दाएश के पांच बड़े ठिकाने चला रहे हैं जो भारतीय सरपरस्ती में चल रहे हैं। शवाहिद से मालूम होता है कि भारत जो दाएश कैंप चला रहा है उनमें एक उत्तराखंड में वाकया है और तीन भारतीय सूबे राजस्थान में मौजूद हैं, जो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये जो तरबियत याफ्ता दाएश के लोग हैं, इनको तहरीक आज़ादी के साथ जोड़कर भारत इस तहरीके आज़ादी को बदनाम करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हिंदुत्व के पैरोकार मोदी दाइश जैसी तंजीम की सरपरस्ती क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि साल हर साल से कश्मीरियों को अपनी मकामी हक़-ए-खुदारादियत की जद्दोजहद को बंदूक, तशद्दुद और इंसानी हकूक की पामालियों के जरिए दबाने की नाकाम कोशिश और इन मुजालिम के नतीजे में कश्मीरी नौजवानों की इस तहरीक में मुसलसल बढ़ती हुई शमूलियत से परेशान भारत रियासती सरपरस्ती में तैयार किए गए दाइश के जंगजुओं को इस तहरीक में शामिल करके उसे आलमी दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। लेकिन अब दुनिया भारत का मकरूह चेहरा जान चुकी है। ये अलग बात है कि निहत्ते कश्मीरियों की आसीरी पर आंखें बंद करने वाले मौशी फवायद के आसीर वाले ममालिक और आलमी इदारे बड़ी ताकतों के आलायकार बने हुए हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को बताया कि चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करना, नौजवानों को अकूबत खानों जंदानों में महबूस करना भारतीय फौज की वादी में छुपे आरएसएस के गुंडों का हथियार बन चुका है। 3,432 केसेस हैं ऑफ वॉर क्राइम्स जिनको पेश किया गया है। 1,128 उन लोगों की निशानदेही की गई है जो इन वॉर क्राइम्स को मुरतब करने में डायरेक्टली मुलव्विस हैं। हमा किस्म की अट्रॉसिटीज का इसमें जिक्र है, मावराए अदालत कत्ल जिसको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहते हैं, आर्बिट्री अरेस्ट हैं, टॉर्चर है, पेलेट गन इंजरीज का आप सुनते रहे हैं, आप लिखते भी रहे हैं, उसके हकायक हैं। जो खवातीन की बेहरुमती हुई है उसका जिक्र है। मकबूजा कश्मीर के 6 अजला में 89 गाँव में 8,652 इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हुई, जिसमें से 152 कब्रों में दो दो अफराद जबकि 23 कब्रों में 17 से जायद अफराद की लाशें थी। भारतीय अफवाज ने 229 टारगेट सेल कायम कर रखे हैं। 2014 के बाद 30,000 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को झंझोड़ते हुए वाजे किया है कि इंसानी हकूक की चैंपियन नाम नहाद जमहूरियत भारत को सलामती कौंसिल की सदारत देना नाजियों को सदारत देने के मुतरादिफ होगा। अक्वामे मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और यूरोपीय यूनियन भी भारत से आलमी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों पर सवाल करे।